यानी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सरफिरा को लेकर चर्चा में है। फैंस को भी एक्टर की इस अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। कुछ दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जो लोगों को बेहद पसंद आया। ट्रेलर को देखते ही लोगों में इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई और अब सभी बेकरारी से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये फिल्म ऐसी है जिसके लिए अक्षय ने अपना ही सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया है। अक्षय कुमार हमेशा से ही फिल्मों के सेट पर एक सख्त शेड्यूल के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म सरफिरा के निर्देशक सुधा कोंगड़ा प्रसाद के लिए अपनी शेड्यूल में बदलाव किया। हाल में ही सरफिरा के निर्देशक सुधा कोंगड़ा प्रसाद ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में बताया कि अक्षय कुमार के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। साथ ही उन्हें कई दिलचस्प किस्से भी शेयर किए जिसने अक्षय कुमार के फैंस को भी हैरान कर दिया। तमिल फिल्म सोराई पेटू का हिंदी में रिमेक बना रही सुधा ने बताया कि उन्हें अक्षय के साथ काम करना काफी पसंद है। उन्होंने अक्षय के शेड्यूल की तारीफ की लेकिन साथ में ये भी बताया कि एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने एक्टर के शेड्यूल में दखल देना पड़ा और उसमें बदलाव करने के लिए कहने में डर लग रहा था। न्यूज 18 से बात करते हुए सुधा ने बताया अक्षय की 8 घंटे की सख्त पॉलिसी थी जिसके बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था। हालांकि फिल्म का ज्यादातर हिस्सा उनके शेड्यूल में ही पूरा हो गया था लेकिन एक बड़ा जरूरी क्लाइमेक्स सीन उनके शेड्यूल से ज्यादा लंबा चला और टीम इस बात को लेकर परेशान थी कि वे अक्षय को सेट पर अपना समय बढ़ाने के लिए कैसे मनाएंगे। सुधा ने बताया अक्षय सर की ये पॉलिसी है, उन्होंने मुझे डे जीरो से ही बता दिया था कि वो 8 घंटे काम करेंगे और उन 8 घंटों में वे कहते हैं वे एक को डायरेक्टर की तरह है, वे सेट से बाहर नहीं जाते। सुधा ने बताया लेकिन 8 घंटे के बाद आप बस इधर उधर देखते हैं और हो सकता है कि वह ना हो, यही मुझे बताया गया था और चेतावनी दी गई थी। हालांकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमने हमेशा अपने सामने ठीक टाइम पर काम खत्म किया लेकिन उस खास दिन ये 8 घंटे से ज्यादा हो रहा था और हमें सीन खत्म करना था क्योंकि हम फिल्म खत्म कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया मैंने पहले एडी से उनके रिक्वेस्ट किया और कहा कि सर 1 और 10 मिनट सर, 1 और आधा घंटा सर, हम जानते हैं कि 8 घंटे ज्यादा हो गए हैं। सुधा ने आगे बताया सर इतने दिनों में मैंने आपको 5 घंटे और 6 घंटे में जाने दिया है। अक्षय सर ने जवाब दिया हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया है क्योंकि मैं तेज था। एडी ने उनसे रिक्वेस्ट किया प्लीज हमें 1/2 घंटा दे। बहुत प्यार से अक्षय ने हमें 1/2 घंटा दिया और फिल्म का वो शेड्यूल भी पूरा हुआ। सोरई पोटे भारत की कम कीमत वाली एयरलाइन डेकन के फाउंडर जीआर गोपीनाथ की लाइफ पर बेस्ड है। इस कहानी को सुधा डायरेक्ट कर रही है। हिंदी फिल्म सरफिरा को लेकर वह आ रही है। अक्षय कुमार स्टार ये फिल्म 12 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है।